हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है रेड लाइन सिम्टम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हर दवाई का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा, जिससे आपको इलाज करने में सुविधा मिले और आपको समझने में सुविधा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है स्कोट्रम के विषय में। स्कोट्रम में क्या होता है कि वेसिकुलर इरप्शन निकल जाता है और पेनिस पर निकल जाता है, और उसके साथ साथ में फ्रिक्वेंट कारोसिव इचिंग होती है, माने आपका जो है अंडकोश इतना खिंचवाता है कि खिंचवाते खिंचवाते आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये अक्सर जो है कपड़ा खोलने के बाद में ज़्यादा खिंचवाता है। तो ऐसे पेशेंट को कोटन ट्रिक 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार अगर 15 दिन ले लेंगे तो उनका स्कोट्रम का जो है खजुरी है, स्कोट्रम का जो है एक्जिमा है, वो जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है जांडिस पर। दोस्तों, जो नॉर्मल जांडिस होता है वो तो चिजडोनियम और कार्डुअस और मारिका कोलिस्ट्रम से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर जांडिस आपका मेलिग्नेंट हो गया, मेलिग्नेंसी आ गई, जब इसमें कैंसर हो जाएगा तो आपका जांडिस जो है मेलिग्नेंट हो जाएगा। दोस्तों, मेलिग्नेंट जांडिस की जो है यह बहुत बढ़िया दवाई है। दवाई का नाम है क्रोकस हेरिडस। इसको आपको जो है 200 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम पानी के साथ में अगर लगातार ले लीजिए तो आपका जो है भयंकर से भयंकर मेलिग्नेंट जांडिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है डायरिया पर। डायरिया माने पेट पर है। जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं और उसके बाद भी हमको जो है लूज मोशन जाने की इच्छा होती है और हम जाते भी हैं और होता भी है, तो अगर जो है खाना खाने के बाद में आपको मोशन तुरंत मालूम पड़े खाना खाने के बाद में, पानी पीने के बाद में, तो आप जो है कोटन ट्रिक 30 पावर में 4-4 बूंद करके 3-3 घंटा पर लगातार ले लीजिए। ये टेंडेंसी जो है खाने के बाद मोशन होना या पानी पीने के बाद मोशन होना, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगला सिम्टम है सांस फूलना अस्थमा पर। जैसे जो है अस्थमा हमको है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम जरा सा भी एक कदम अगर चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो यह तो या तो हीमोग्लोबिन की कमी है या तो हार्ट कमज़ोर हो गया है। इस कारण से आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सांस बिल्कुल नहीं फूल रही है, आपके जरा सा भी चलने से सांस फूल रही है। अगर यह सिम्टम है तो आप जो है किडगेस मदर टीचर आधा कप पानी में 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। अगर आपका यह सिम्टम है कि जरा भी चलने से सांस फूलती है तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आप यह दवा जो है कम से कम एक महीना तक लीजिए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम थोड़ा मेंटल पर है। मेंटल पर क्या है कि वेरी चेंजेबल टेम्परामेंट। पेशेंट कभी रोता है और कुछ क्षण में हंसता है, माने चेंजेबल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा सिम्टम मूड स्विंग होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो इसी पॉइंट के बेसिस पर आप पेशेंट को क्रोकस सेटाइबा 200 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए। पेशेंट का जो है ये मेंटलिटी है ये ठीक हो जाएगी। और बच्चों में जो है अगर ये प्रॉब्लम है 10 साल के नीचे तो उसको 2 बूंद सुबह शाम दीजिए, तो ये जो टेम्परामेंट है चेंजेबिलिटी की ये जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम पाइल से मिलता जुलता है। दोस्तों, पाइल्स जो है बहुत ही ख़राब चीज़ है। ऑपरेशन करने के बाद भी यह जल्दी ठीक नहीं होता है, या ऑपरेशन करने के बाद भी दोबारा ये रिकवर होने का चांस ज़्यादा रहता है, फिशर हो चाहे पाइल्स हो चाहे फिस्टुला हो। तो दोस्तों, अगर किसी को पाइल्स है और पाइल्स जो है बहुत पुराना हो गया है और बीच बीच में दर्द होता है और बीच बीच में खून गिरता है, अगर पाइल्स का ऐसा सिम्टम है कि दर्द होता है, खून गिरता है, पुराना हो गया है, तो आप जो है आँख बंद करके कोलिन सोनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में लगातार ले लीजिए, एक महीना तक ले लीजिए। आपका जो ब्लीडिंग का ये प्रॉब्लम है, खून गिरता है, दर्द होता है, पुराना से पुराना पाइल्स है, आपका इस दवाई से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है गाउट पर, गठिया पर। दोस्तों, गठिया को हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसका दवाई लेंगे फिर छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद में अगर छोड़ देंगे दवाई का कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो दोस्तों, गठिया है, अगर गठिया हार्ट में चेंज हो गई है, माने जिसको बोलते हैं एक मर्ज दूसरे मर्ज में फैल जाना, माने गठिया तो है ही है, गठिया अगर जो है आपके हार्ट तक पहुंच गई है, माने गठिया हार्ट में हो गई है, आप जो है कैल्शियम 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना तक ले लीजिए। आपका जो गठिया मेटास्टेसिस हो गई है हार्ट तक, ये आपकी प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम
फिर जो है आर्थराइटिस पर है, दवाई का नाम कालचिका भी है, तो इसका सिम्टम क्या होता है कि आर्थराइटिक पेन इन ज्वाइंट में होता है या फिंगर ज्वाइंट में होता है, कहीं भी होता है, वो जो है पेन से पेशेंट जो है रोने लगता है। तो दोस्तों आर्थराइटिस हुआ, चाहे गाउट हुआ, चाहे इनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, पेशेंट जो है रोता नहीं है, दवाई खा लेगा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन कालचिका में क्या होता है कि दर्द जो है इसका आर्थराइटिस का दर्द ऐसा होता है कि पेशेंट जो है रोने लगता है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिले तो आप जो है कालचिकम 30 पावर की 4-4 बूंद करके, जैसा पेशेंट का पोजिशन रहे, आप जो है इसको 2-2 घंटा पर 3-3 घंटा पर लगातार दीजिए, पेशेंट को जो है आराम मिल जाएगा। अब अगर ये सिम्टम मिलता है कि पेशेंट रोने लगता है, तब तो उनका गठिया जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है दांत पर जो है, दांत पर क्या होता है कि दांत में दर्द हो रहा है और उस पर जो है पानी डाल दिए, आइस वाटर, माने नॉट कोल्ड वाटर, आइस वाटर। अगर आइस वाटर से आपका दांत का दर्द ठीक हो जाता है तो आप आंख बंद करके कॉफ़ी या 30 पावर में आधा आधा घंटा पर ले सकते हैं, बशर्ते कि ये सिम्टम मिलना चाहिए कि टूथेक बेटर बाई आइस वाटर। अगर आइस वाटर से आपका दांत ठीक होता है तो आप कॉफ़ी या 30 4-4 बूंद करके पोजिशन के अनुसार लीजिए, आपका दांत का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है रेडिश अल्सर, लाल रंग का अल्सर बन जाता है, कहाँ पर, पेनिस पर, जो कि वेरी सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए आपके पेनिस पर आप कोई भी काम किए हैं, या सिफिलिस हो गया है, या गनोरिया हो गया है, या कोई भी सेक्सुअल डिजीज हो गया है, और वो पेनिस पर आपको फोड़ा हो गया है और छूने में भी दर्द हो रहा है, तब ये जो है कोराडियम का जो है रेड लाइन सिम्टम है। कोराडियम जो है 30 पावर में आप दिन में 3-4 बार करके लगातार लीजिए, कम से कम 15-20 दिन लीजिए, आपको तो आराम तुरंत हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन और लेंगे तो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम है, आप अगर लड़की से बात करते हैं या लड़की के विषय में सोचते हैं तो आपका जो है डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये रेड लाइन सिम्टम अगर किसी पेशेंट में मिले तो उसको जो है कोनियम 30 पावर में सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए, तो उसका जो है इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों अगला सिम्टम इसका जो है दांत पर है, गम्स पर है, गम्स में जो है गम्स से इतना ब्लीडिंग निकलती है और गम्स जो है स्पंजी होता है, माने गम्स को आप ऐसे छुएंगे तो स्पंजी हो जाएगा, और जब भी मंजन करेंगे या नहीं मंजन करेंगे, जरा भी दर्द हुआ कुछ हुआ तो ब्लीडिंग होने लगा, तो आप कार्बो भेज दीजिए, कार्बोवेज 200 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जो है कम से कम 15 दिन ले लीजिए, आपके गम्स से खून निकलना आराम से बंद हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला रेड लाइट सिम्टम यह है, आप जो है बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं, आप खड़े हुए, और खड़े होते हुए आपको लगता है कि घूम रहा है, सब चीज़ घूम रहा है, और अक्सर ये होता रहता है, तो ऐसे सिम्टम में, ऐसे रेड लाइट सिम्टम में आप जो है कैलकुलस 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता ले लीजिए, आपका इस तरह का चक्कर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है वृद्ध पुरुषों के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ओल्ड एज में क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जो है थोड़ा जल्दी जल्दी चलती है, ऐसा सिम्टम अगर मिलता है ओल्ड एज में कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप जो है कोका एक दवाई है मदर टिंचर, आप जो है उसको 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, तो आपका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है हर आदमी ठीक हो जाएगा, और जब मदर टिंचर ले लिए 15 दिन उसके बाद में कोका 30 4-4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये जो है निश्चित ही हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम यह है कि आप रात में सोए हुए हैं, सुबह देखते हैं कि आपका स्पर्म गिर गया है और आपका कमजोरी लगती है, तो अगर जो है आप स्वप्न में या बिना स्वप्न के आपका स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप जो है चाइना 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक ले लीजिए, आपका इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम है अल्सर पर, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये हमारा अल्सर ड्यू टू सिफिलिस हुआ है, सिफिलिस के कारण अल्सर हुआ है, चाहे वो पेनिस में हुआ हो और चाहे मुंह में हुआ है, तो आप जो है एक दवाई बहुत बढ़िया है जिसका नाम है सिनाबरिस, तो सिनाबरिस जो है मदर टिंचर में 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 15 दिन तक ले लीजिए, अगर अल्सर सिफिलिस से हुआ है तो आपका अल्सर हर हाल में ठीक हो जाएगा।
दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम है बच्चे के ऊपर में, बच्चा बीमार है, बच्चा को खांसी सर्दी बुखार है, चाइल्ड डज नॉट वांट टू टच, आप दूर से ही बच्चों को देख लीजिए, बच्चा जो है आपको देखते ही रोने लगेगा, माने आपको छूने नहीं देगा। तो ऐसे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो कि बच्चा छूने नहीं देना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को आप जो है सीना 30 पावर में दो दो बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार दे दीजिए, बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होगी ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम हिमरेज पर, दोस्तों हिमरेज हमारे कान से, आंख से, मुंह से, रेक्टम से, कहीं से भी आ सकता है, अब आता भी है, तो लेकिन अगर जो है यह हिमरेज अगर लंबा हो जाए, लंबा टन जाए, 4-5 दिन के बाद और टन जाए, ऐसे रेड लाइन सिम्टम में आप चाइना 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार दे दीजिए, पेशेंट को एकदम आराम हो जाएगा, उसका ब्लीडिंग, उसका हिमरेज एकदम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का यह रेड लाइन सिम्टम वाला वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमसे अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में #AskDrPSTiwari देखकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको वीडियो के द्वारा तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।